हे गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल कृष्ण दीवानी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बाटी चोखा बनाने वाले हैं। ये देखिए, अभी हम लोग सत्तू बना लेते हैं। ये लहसुन हो गया, ये धनिया पत्ता हो गया, ये अजवाइन हो गया, ये मिर्च हो गया, ये लहसुन है, मसाला बनाया गया है, और ये प्याज हो गया। और अब सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। ये नमक हो गया, अब इसको हम लोग ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। अब इसमें सत्तू डालेंगे। इसको मिक्स करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सत्तू बन के रेडी है। अब हम लोग बाटी बनाएंगे। ये देखिए, हमने आटा जो है इसको गूंथ रखा है, और इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आटा हो वो गीला ना हो, थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो चलिए अब बाटी बनाना शुरू करते हैं। ऐसे बाटी बनता है, ऐसे इसको गोल करके उसमें सत्तू भरेंगे, फिर गोल कर देंगे। तो ये जो है हमारा बाटी रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही आपको बाटी बनाना है। हमने बाटी बना लिया है बहुत सारा। ये देखिए, हमारा बाटी जो है वो अब बनने ही वाला है फिलहाल। हाँ, और बाटी के साथ चोखा तो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस देखिए, अब चोखा भी बनने जा ही रहा है। इसमें टमाटर है, आलू है, धनिया पत्ता, लहसुन है, फिर इसमें सरसों तेल डालेंगे, अपने हिसाब से नमक डालेंगे, प्याज भी है, इसमें बैंगन भी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा चोखा जो है वो बिल्कुल मस्त बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस, ये देखिए, हमारा जो बाटी चोखा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये